दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सिविल सर्विसेज के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1781 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान अमेरिकन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस तरह की हार के बावजूद समर्पित देशभक्ति के नाते कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। ऐसा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। साथ ही चार्ल्स कॉर्नवालिस को नाइट की उपाधि भी दी गई। उसने 1786 से 1793 तक गवर्नरशिप के दौरान ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। उसने 1789 से 1792 तक चले थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हराया और श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के लिए मजबूर किया। कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आया, जिससे ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बेस और परमानेंट इनकम मिल सके। ये जुडिशियल सिस्टम के लिए कॉर्नवालिस कोड भी लाया गया, जिसके थ्रू उसने इंडियन जुडिशियरी को ब्रिटिश रूल से अलाइन करने का प्रयास किया। कॉर्नवालिस ने इंडिया में पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश कंट्रोल का जरिया बनी। 1794 में जब कॉर्नवालिस ब्रिटेन लौटा, तो उसे ऑर्डिनेंस का मास्टर जनरल अपॉइंट किया गया।